हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडियन एडवांस स्टडी। तो आज मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ आपको मध्य प्रदेश एनम से रिलेटेड जो भी अपडेट या नोटिफिकेशन आता है, तो कहाँ पे जाके अपना चेक कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म कब आएगा, कब आप वहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना है, आपको एग्ज़ाम डेट, एडमिट कार्ड और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया इसके लिए क्या है, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं डिटेल से बताने वाली हूँ। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखें। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले कोई भी ब्राउज़र ओपन कर लेना, उसमें गूगल डॉट कॉम ओपन करना, उसमें टाइप करना मध्य प्रदेश ANM 2022 IAS पेपर। IAS पेपर एक्सक्लूसिव वेबसाइट है जिसमें आपको मध्य प्रदेश ANM से रिलेटेड जो भी अपडेट या नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सर्च कर लेना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं IAS paper.net मध्य प्रदेश ANM 2022, इसी लिंक पे आपको क्लिक कर लेना है। तो यहाँ पे आपका IAS पेपर का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुका है। यहाँ पे मध्य प्रदेश ANM 2022 एप्लीकेशन फॉर्म आउट सून, डेट एलिजिबिलिटी पैटर्न क्या होगा वो आपको यहाँ पे मैं बताऊँगी डिटेल से। तो उससे पहले आपको क्या करना है, ये फॉर्म फिल कर लेना। आपको यहाँ पे अपना नाम, अपना ईमेल आईडी, कॉन्टेक्ट नंबर, करंट स्टेट में आप कहाँ पे रहते हैं, मध्य प्रदेश के कहाँ पे रहते हैं, भोपाल में, जैसे आपको फिल करना है। इंडस्ट्री कोर्स है, जिस क्वालिफिकेशन है, गेटवे कौनसी पे क्लिक कर लेना। इससे आपकी ईमेल आईडी और आपके कॉन्टेक्ट नंबर के थ्रू मध्य प्रदेश ANM से रिलेटेड जो भी अपडेट या नोटिफिकेशन आएंगे तो आपको फ्री आपको एसएमएस कर दिया जाएंगे। तो आप इस फॉर्म को ज़रूर फिल कीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मध्य प्रदेश ANM TST 2022 एप्लीकेशन फॉर्म विल बी रिलीज सून, मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन इज कंडक्ट द अथॉरिटी ऑफ द MP ANTST। तो मध्य प्रदेश प्रोफेशनल एग्जामिनेशन इस एप्लीकेशन फॉर्म को कंडक्ट कराता है, मतलब इसका एग्जामिनेशन लेता है। नेशनल हेल्थ मिशन मध्य प्रदेश मेक इन इंफॉर्मेशन नो टू द स्टूडेंट हु आर सर्चिंग अबाउट द ANM MP टू फॉर द पोस्ट ऑफ स्टाफ्स नर्स एंड ANM। तो ये जो पोस्ट है वो ANM का है। यहाँ पे नेशनल हेल्थ मिशन के द्वारा ये आप इंफॉर्मेशन जान सकते हैं। दोज एप्लीकेंट हु वेंट टू OPT फॉर दीज रिक्रूटमेंट एग्जाम चेक दिस पेज। तो यहाँ पे आपको रिक्रूटमेंट और एग्ज़ाम चेक पेज देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो एप्लीकेट मध्य प्रदेश ANM 2022 नोटिफिकेशन एप्लीकेशन नोट सुन, तो आपका नोटिफिकेशन जल्दी आएगा यहाँ पे। तो आप यहाँ पे इस पेज पे लिंक प्रोवाइड कर दी जाएगी, तो आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दिए गए हैं, तो यहाँ पे आपको चेक कर लेना है। कैंडिडेट विल नीड टू चेक द इंफॉर्मेशन डेट फॉर द मध्य प्रदेश ANM एडमिशन। तो यहाँ पे आपका इवेंट का दिया गया है, अभी अनाउंस नहीं हुआ है, अनाउंस होगा तो यहाँ पे आपको डेट्स दे दिए जाएंगे, बता दिया जाएगा। मध्य प्रदेश ANM 2022 एप्लीकेशन फॉर्म कैसे आपको फिल करना है, कहाँ पे जाके फिल करना है। मध्य प्रदेश ANM 2022 एप्लीकेशन विल बी रिलीज सून, तो आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो जल्दी आ जाएगा। ऑफिशियली अथॉरिटीज़ विल रिलीज द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर द एप्लीकेंट्स इन ऑनलाइन मोड ऑन द ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी। ऑफिशियली वेबसाइट पे आपको ऑनलाइन मोड के द्वारा आपको यहाँ पर अथॉरिटीज़ के द्वारा आपका एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो रिलीज़ कर दिया जाएगा। एप्लीकेंट नीड टू विजिट द एप्लीकेशन ऑफिशियली वेबसाइट ऑफ द यूनिवर्सिटी इन ऑर्डर टू फिल द एप्लीकेशन फॉर्म। ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके जो भी इसके कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ऑफिशियली वेबसाइट पे जाके आप इसके एप्लीकेशन फॉर्म को फिल कर पाएंगे। एप्लीकेंट मस्ट नोट दैट इन ऑर्डर टू अपीयर फॉर द एडमिशन प्रोसीजर इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट एप्लीकेंट्स मस्ट हैव ए फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म एंड सबमिट द फॉर्म बिफोर द ड्यू डेट टू डे एप्लीकेशन। तो जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म को डेट जो दिया जाएगा उससे पहले ही आपको अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करके उसे सबमिट कर देना है। बिफोर फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म एप्लीकेंट आर रिक्वेस्टेड टू चेक द इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन रिलेटेड टू एप्लीकेशन प्रोसेस। तो आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने से पहले जो भी इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिए रहेंगे वो आपको ज़रूर पढ़ना है यहाँ पे।
After the application, need to meet the eligibility criteria set by the university and the start application form. तो आपको application form fill करने से पहले अपना eligibility criteria official website पे जाके पढ़ लेना है, तभी आपको start करना चाहिए application form fill करना. यहाँ पे आपका application fee के बारे में दिया गया है. जनरल एंड OBC candidate के लिए आपका 400 rupees लगेंगे, SC candidate के लिए 200 rupees. मध्य प्रदेश ANM 2022 का eligibility criteria यहाँ पे दिया गया. nationality क्या होनी चाहिए आपका, द कैंडिडेट मस्ट बी सिटीजन ऑफ इंडिया, इंडियन सिटीजन होने चाहिए. जेंडर आपका, ओनली फीमेल कैंडिडेट कैन फिल द एप्लीकेशन फॉर्म फॉर मध्य प्रदेश ANM. क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए आपका, यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन सेल्फ बी दे सीनियर सेकेंडरी, तो आपका 12th पास होना चाहिए. स्टाफ नर्स के लिए क्या होना चाहिए, एप्लीकेट पास का क्लास 12th एग्ज़ाम एंड ZNM या फिर BSc नर्सिंग कोर्स. तो आपका स्टाफ नर्स के लिए आपका यहाँ पे 12th पास होना चाहिए एंड ZNM या फिर BSc नर्सिंग कोर्स क्या होना चाहिए. ANM के लिए एप्लीकेशन पास क्लास 12th एग्ज़ाम एंड ANM कोर्स. आल कैंडिडेट मस्ट बी रजिस्टर्ड ऑन MP काउंसिल बोर्ड. और यहाँ पे आपको मध्य प्रदेश ANM 2022 रिजर्वेशन क्राइटेरिया क्या यहाँ पे दिया गया है. रिजर्वेशन क्राइटेरिया में आपका जनरल स्टाफ नर्स के लिए आपका जनरल में 254 है, OBC का 205 है, 28 EWCS में है, ST के लिए 121 है और यहाँ पे ST के लिए 152 है, टोटल 760 हैं. और ANM के लिए 673 जनरल के लिए, OBC के लिए 545, EWS वालों के लिए 75, ST वालों के लिए ST के लिए आपका 323 और यहाँ पे ST के लिए 403, टोटल आपका 2019 है. तो ये था आपका मध्य प्रदेश ANM से रिलेटेड फुल डिटेल्स. अभी भी आपको कोई भी डाउट हो तो डेफिनेटली कमेंट करें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहाँ पे जाकर चेक कर सकते हैं. तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको मध्य प्रदेश ANM से रिलेटेड कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिफिकेशन आते हैं तो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. थैंक यू.